नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई दूसरी एक जगत एक लोग उसके प्रथम पाठ की चर्चा की थी। यहाँ पर हमने 6 पंक्तियों का अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में यानी कि पार्ट 2 के अंदर अंतिम पंक्तियों का अभ्यास करेंगे और अपनी इकाई को खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, या उससे पहले हमने पिछले क्लास में जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहराना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस इकाई की इस पंक्तियों के साथ उसका तालमेल कर पाएंगे और अच्छे से भावार्थ को समझ पाएंगे। वो जो इस कहानी सॉरी इस कविता का मूल उद्देश्य यही है कि विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट करना। इस संसार में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं। हम लोगों को आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस भेदभाव को छोड़कर हमें एक समान एकजुट होकर रहना चाहिए। सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे संसार में हम सब लोग यदि एक बनकर रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे और हमें विश्व शांति की स्थापना करनी है, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी है। ठीक है, तो बच्चों इस भावना के साथ इस कविता का हम समझेंगे। हम प्रथम 6 पंक्तियों को फिर से दोहराते हैं। ये सारा संसार एक मानव लोक है। क्या है ये सारा संसार? एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक समान मान के अधिकारी हैं, क्योंकि रात में एक ही चंद्र हम सबको शीतलता देता है और प्रकाश देता है। इतना ही नहीं, सुबह सुबह एक ही सूरज हमें प्रकाश देता है, गर्मी देता है। हम इस धरती पर रहते हैं और हमारे ऊपर एक ही आसमान रूपी छत है, इसलिए हम उस आसमान रूपी छत के नीचे इस धरती पर एक समान रीत से रहते हैं। है कि नहीं? हम सब लोगों में चंद्र भी भेदभाव नहीं करता, ना ही सूर्य भेदभाव करता है, और ना ही ये धरती और आसमान हम में भेद रखती है। ये धरती हमारा बोझ उठाती है, हम इस धरती पर रहते हैं और इस आसमान रूपी छत हमें सहारा देती है। ये चंद्र हम सबको एक समान शीतलता देता है और प्रकाश देता है। इतना ही नहीं, सुबह सुबह सूर्य भी हमें एक समान तेज और गर्मी धूप देता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि हमें जो हवा पानी और प्रकाश मिल रहा है वो भी एक समान है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हमें जो हवा पानी और प्रकाश मिल रहा है वो एक जैसा है। इतना ही नहीं, हम सब लोग जो मानव लोग हैं, ये सब लोगों की कहानी एक समान है, सुख दुख से भरी। ना किसी का पूरा जीवन दुख में बीतता है और ना ही किसी का पूरा जीवन सुख में बीतता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते ही रहते हैं, और हम लोग आपस में प्रत्येक इंसान के सुख दुख में हिस्सा लेते हैं, यानी कि हम सब लोगों के जीवन की कहानी एक समान है, दुख और सुख से भरी हुई। इतना ही नहीं, हम सब लोगों के शरीर की रचना एक ही हड्डी से बनी है। हम सब लोगों के शरीर की रचना एक ही हड्डी से बनी है। हम सब लोगों में एक ही लाल रंग का लहू बहता है। हम सभी के अंदर एक ही समान लाल रंग का लहू बहता है और हम सभी में एक जैसा प्राण चलता है। जब ये सारी बातें एक समान है तो यानी कि हम सब एक समान है और एक समान मान और सम्मान के अधिकारी है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए
अब बच्चों आप पेज नंबर 7 पर आ जाइए। आज हम इस पाठ में अंतिम पंक्तियों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? यस, उससे पहले हमें शब्दार्थ की समझौती प्राप्त करनी पड़ेगी। निशदिन यानी कि दिन रात, निशदिन यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन यानी कि दिन रात, सुहाना यानी कि सुंदर, तराना यानी कि गीत, प्रगति यानी कि उन्नति, विकास, हेलमिल यानी कि मेलजुल कर। फिर बच्चों हमने बात की थी प्रास की, याद आया? बताइए प्रास किसे कहेंगे? यस, काव्य पंक्तियों में अंत में आने वाले एक समान उच्चार वाले शब्द को प्रास कहा जाता है। काव्य पंक्तियों में अंत में आने वाले एक समान उच्चार वाले शब्द को प्रास कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम अपनी कविता की ओर आगे बढ़े। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निशदिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, राष्ट्रों में एक यज्ञ यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल कर लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। बच्चों आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो मानव लोक है वो कैसा है, विविधता से भरा हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक लोगों के धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज, ये सारी चीज अलग अलग है। इतना ही नहीं, सब लोगों की भाषा और बोली भी अलग अलग है, फिर भी हम लोग कैसे हैं? हम सब लोग एक समान हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के एक तराने। क्या कहा गया है कि हम लोगों को हर्ष यानी कि आनंदित होकर क्या करना है, हम सब लोगों को मिलजुल कर आनंदित होकर सुंदर राग को छेड़ना है। क्या करना है? सुंदर राग को छेड़ना है। हमें समानता और परस्पर ममता यानी कि प्रेम, हमें परस्पर क्या करना है, प्रेम भरे गीत गाने। कैसे गीत गाने? तो हम सब लोगों को आनंदित होकर मिलजुल कर प्रेम भरे समानता के गीत गाने हैं। क्या करना है? हम सब लोगों को मिलजुल कर आनंदित होकर प्रेम भरे समानता के गीत गाने, सुंदर गीत को छेड़ना है। घर घर में गूंज रहा निशदिन यह मधुर गान। क्या करना है? हमें दिन रात क्या करना है, घर घर में इसी गीत को गाना है, इसी गीत को दोहराना है। निशदिन यह मधुर गान यानी कि निशदिन यानी कि प्रतिदिन, दिन रात मधुर यानी कि सुंदर, मनोहर, मीठा, गान यानी कि गीत। यहाँ पर इस कविता में कहा गया है पंक्तियों में कि हम सब लोगों को मिलजुल कर आनंदित होकर क्या करना है, तो प्यार भरा समानता का राग छेड़ना है और प्रत्येक इंसान के घर में यह राग निशदिन छेड़ा जाना चाहिए, यानी कि प्रत्येक इंसान के घर में यह राग गूंजना चाहिए, गीत गूंजना चाहिए। एक जगत एक लोक, ये सारा संसार एक मानव लोक है, हम सब लोग एक समान मान सम्मान के अधिकारी है। फिर कहा है राष्ट्र में एक यज्ञ यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हम सब लोगों को क्या करना है, सब लोगों को मिलकर
पूरे संसार में, राष्ट्र यानी हमारा देश, पूरे संसार के राष्ट्र में एकता की भावना लानी है। क्या करना है? एकता की भावना लानी है। यही हमारा कर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। इस पूरे संसार में हमें एकता की भावना प्रस्थापित करनी है, यही हमारा कर्म होना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा, यानी कि हम सब लोगों को साथ में मिलकर प्रगति करनी है। क्या करना है? हम सब लोगों को साथ में मिलकर प्रगति करनी है, और हम सबको, सभी को एक समान न्याय मिलना चाहिए। फिर मानवता की रक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मानवता की रक्षा होनी चाहिए। यही हमारा धर्म बनना चाहिए। हम सबकी प्रगति हो, हम सबको एक समान न्याय मिले। इतना ही नहीं, हम सबको क्या करना है? हम सबको मानवता की रक्षा करनी है। हम सब मनुष्य है, हमारे अंदर मानवता फूट फूट कर बनी होनी चाहिए, और इस मानवता का हमें रक्षण करना है। यही हमारा धर्म होना चाहिए। हिल मिलकर लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोग। ठीक है, क्या कहा गया है कि हम सब लोगों को मिलजुल कर क्या करना है? तो कि विश्व शांति का प्रतीक यानी कि झंडा, ध्वज, विश्व शांति का झंडा लहराना चाहिए और उसको हवा में फहराना चाहिए। हम सब लोगों को हमारी एकता को सिद्ध कर विश्व बंधुत्व की भावना फैलानी है। ये सारा संसार एक मानव लोक है और हम सब एक समान मानव सम्मान के अधिकारी है। बच्चों, यदि हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, आपस में समानता बना रहेंगे, सब लोगों के दुख सुख को बांटते रहेंगे, तभी जाकर हम एक रूप होंगे, एक बनेंगे। और जब हम एक बनेंगे तब हमारा देश, हमारा विश्व आगे बढ़ेगा। हमें इस विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की भावना को प्रस्थापित करना है। छोटी सी बात बताऊं बच्चों, जब हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो क्या होता है? हमारा काम आसान हो जाता है। प्रत्येक लोगों की सीख हमें मिलती है, नए विचार हमें मिलते, कुछ नया सीखने को मिलता है और हमारे अंदर बदलाव आता है कि नहीं? तो एक छोटी सी बात है, यदि पूरे विश्व के लोग यह सोचे कि हमें और आगे बढ़ना है और उन्नति करनी है, इस मानव लोक को और सुंदर बनाना है और यहाँ पर अच्छे से जीना है, तो क्या करेंगे? हम एक दूसरे को मान देंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, हम सब लोगों के दुख सुख को बांटेंगे और साथ में चलेंगे, एक होकर चलेंगे, तो पूरे विश्व में शांति बनी रहेगी और सभी लोगों के बीच में भाईचारा बनेगा और सभी लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे और हम इस विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे, विश्व को और सुंदर बनाएंगे। ठीक है, तो यही भावना इस कविता में दी गई है कि इस मानव लोक को क्या करना है? मिलजुल कर एक होकर इस विश्व शांति का झंडा लहराना है और इस पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना प्रस्थापित करनी है। ठीक है, चलो बच्चों, हम इस पूरी कविता को फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको इस कविता का पूरा ज्ञान बाबा अच्छे से समझ में आ जाए। इस कविता का मूल उद्देश्य यही है, विश्व बंधुत्व की भावना प्रस्थापित करना, विकसित करना। चलो, ये सारा संसार एक मानव लोक है। इस संसार में रहने वाले सभी लोग एक समान मान और सम्मान के अधिकारी है, क्योंकि यहाँ पर ना ही चंद्र ना ही सूर्य भेदभाव रखता है।
रखता है, ना पानी, ना तेज, ना हवा, ये प्रकृति के तत्व भी हमारे बीच में भेदभाव नहीं करती है, वो हमें एक समान प्रेम देती है। एक ही चंद्र इस पूरे संसार में एक समान शीतलता देता है और प्रकाश देता है। इतना ही नहीं, ये सूर्य भी एक समान तेज और गर्मी धूप देता है। हम इसी धरती पर रहते ही यह धरती इस पूरे संसार के लोगों का बोझ उठाती है और वो एक ही आसमान हमें छांव देता है। उसी आसमान की छत के नीचे हम रहते हैं। ये सारे प्रकृति के तत्व हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं रखता, वो हमें एक समान प्यार देता है। इतना ही नहीं, हमें जो हवा, पानी और प्रकाश मिलता है वो भी एक समान है। हम सबके जीवन की कहानी भी एक समान है, ना ही किसी के जीवन में एक सरखा एक जैसा सुख बहता है, ना ही एक जैसा दुख का प्रवाह बहता है। सभी लोगों के जीवन में सुख और दुख, दुख और सुख चलते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं और इसी प्रकार सबका जीवन आगे बढ़ता है। सब लोग एक दूसरे के सुख दुख को बांटते रहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे शरीर की रचना भी एक समान है। हम सब लोगों की रचना एक ही हड्डियों से बनी है। हम सबके जीवन में, हमारे शरीर में एक जैसा लहू बहता है। हम सबकी अस्थियों हड्डियों में एक जैसा प्राण है। प्राणों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। ये प्रकृति के तत्व हम में कोई भेदभाव नहीं रखते, इसीलिए हमें आनंदित होकर मिलजुल कर क्या करना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेम भरे गीत गाने चाहिए और पूरे संसार के घरों में यह गीत गूंजता रहना चाहिए कि हम सब लोग एक है, हम सब लोगों को मिलजुल कर रहना है, हम सब प्रेम से रहेंगे और साथ में सुख दुख का बंटवारा करेंगे। फिर आगे कहा गया है कि राष्ट्र में एकता लाना ये हमारा कर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरे संसार में, पूरे राष्ट्र में एकता लाना ही हमारा कर्म होना चाहिए। हम सब लोग साथ में मिलकर प्रगति करें। क्या करें? साथ में मिलकर प्रगति करें। हम सब लोगों को एक जैसा न्याय मिले, यानी कि सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी एक को न्याय नहीं मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम सब लोग मानवता की रक्षा करें, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हम सब लोग मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए और हम सब के बीच विश्व बंधुत्व की भावना प्रकाशित करें। जब हम सब लोग एक है तो हम सब लोगों को एक समान एक रूप होकर जीना है और विश्व बंधुत्व की भावना प्रस्थापित करनी है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? चलिए आप बोर्ड का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे वर्कशीट लिखने में आपको सरलता रहेगी। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको क्या करना है? आपकी बुक के अंदर दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई नंबर और इकाई का नाम लिखकर सुंदर अक्षरों में इसे कंप्लीट करना है। इतना ही नहीं, साथ में इसका अभ्यास भी करना है। करना है कि नहीं? यस, तभी जाकर तो आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए हैं, आपको कितनी समझ आई है। ठीक है बच्चों, अगले तास में फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।